अल्केन, क्योंकि कंबसन भी जो रिएक्शन है वो एक ऑक्सीडेशन ही रिएक्शन था। लेकिन अभी जो हम जितने सारे भी रिएक्शन को देखेंगे वो सारे के सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगे, लेकिन कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगे। इसमें हम डिफरेंट कैटलिस्ट का यूज करेंगे और डिफरेंट कैटलिस्ट के यूज से जो ऑक्सीडेशन होगा उससे प्रोडक्ट भी हमें डिफरेंट मिलेगा। तो सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं, अगर हम अल्केन का रिएक्शन कराए ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस इन अ कॉपर ट्यूब एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो क्या होता है कि अगर हम 100 एटीएम पे कॉपर ट्यूब में एट 573 केल्विन पे अगर हम अल्केन का रिएक्शन करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अल्केन को मिक्स कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, इसमें जो अल्केन होगा वो 9:1 के प्रोपोर्शन में रहता है, यानी कि 9 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि ये जो है अगर 9 पार्ट है तो ऑक्सीजन जो होता है उसका 1 पार्ट रहता है बाय वॉल्यूम, अगर ये जो है ये 9 लीटर है तो ये 1 लीटर होगा। तो इस तरह के रेशियो में हम लेते हैं इसको, और इसके रिएक्शन के बाद उसको हम लोग कॉपर ट्यूब से इस मिक्सर को पास करते हैं एट हाई प्रेशर एंड 573 डिग्री केल्विन, मतलब एट हाई टेम्परेचर, तो क्या होता है अल्कोहल फॉर्म करता है। अगर हमने यहाँ पे मीथेन लिया है तो क्या हो रहा है, मिथेनॉल फॉर्म कर रहा है, मिथेन लिया है तो क्या हो रहा है, मिथेनॉल फॉर्म कर रहा है। अगर डिफरेंट इथेन लेंगे तो इथेनॉल फॉर्म करेगा, डिफरेंट जिस तरह का भी हम यहाँ पे अल्केन लेंगे उसी तरह का यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म करेगा। ये जो भी कैटेलिटिक जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसका यूज बहुत ज्यादा कन्वर्जन रिएक्शन में आता है, जहां भी कन्वर्जन कराना होगा वहां पर ये सारे रिएक्शन अगर आपको पता हो तो काफी इजिली आप रिएक्शन करा सकते हैं, यानी कि केवल एक रिएक्शन से आपने क्या किया, अल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट करा दिया। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखें कि अल्केन को अगर ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके हाई प्रेशर पे अगर हम लोग क्या करें, उसको मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें, अगर अल्केन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ एक पर्टिकुलर प्रेशर में अंडर प्रेशर हम उसका रिएक्शन कराएं मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ, तो अल्केन जो है वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे मीथेन लिया और उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया इन द एट एनी प्रेशर, अंडर प्रेशर ये रिएक्शन हो रहा है मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ, तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे मिथेनॉल फॉर्म करा। अगर हम इथेन लेते तो इथेनॉल फॉर्म करता, प्रोपेन लेते तो प्रोपेनॉल फॉर्म करता। तो ये आपको ध्यान देना है, जिस तरह का हम यहाँ पे अल्केन लेंगे उसी तरह का एल्डिहाइड हम फॉर्म करेंगे। यहाँ पे मीथेन लिया है तो मिथेनॉल है, अगर हम इथेन लेते तो इथेनॉल होता, उसी तरह का प्रोपेन लेते प्रोपेनॉल होता। तो जिस तरह का यहाँ पे अल्केन लेंगे उसी तरह का एल्डिहाइड जो है हम फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके थ्रू हम अल्केन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके पहले वाला रिएक्शन कैसा रिएक्शन था, एक ऐसा रिएक्शन था कि अल्केन को हम लोग क्या कर रहे थे, अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे थे। ये कैसा रिएक्शन है कि अल्केन को हम लोग एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए कि जो हायर अल्केन होते हैं, हायर यानी कि जिसमें कम से कम दो कार्बन हो, एक कार्बन मीथेन ये रिएक्शन नहीं देगा, अगर उसका ऑक्सीडेशन हम सिल्वर ऑक्साइड यानी कि Ag2O के प्रेजेंस में कराएं तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म करने के लिए एक दो कार्बन तो मिनिमम जरूरी है, तो क्या है, हमने एक हायर अल्केन ले लिया है और उसका ऑक्सीडेशन करा दिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म किया और वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाय प्रोडक्ट हमें मिला। तो ये सारे के सारे रिएक्शन जो है कन्वर्जन में यूज होंगे। यहाँ पे हमने अल्केन से क्या फॉर्म कर लिया, अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ, यहाँ पे अल्केन से क्या फॉर्म हुआ, यहाँ अल्केन से हमें एल्डिहाइड मिला, यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्केन से अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। तो हर जगह क्या हो रहा है, एक स्टेप में हमें अल्केन से अल्कोहल, अल्केन से एल्डिहाइड एंड अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है। एक स्पेशल रिएक्शन है जिसमें अगर कोई ऐसा अल्केन हो जिसके पास टर्शियरी हाइड्रोजन हो, टर्शियरी हाइड्रोजन किसे कहेंगे,
ऐसा कार्बन जो तीन कार्बन से जुड़ा हुआ हो और उस कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा वो टर्शियरी हाइड्रोजन होगा। तो ये रिएक्शन जो है सारे के सारे नहीं देंगे। अगर उसका हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करा दिया तो उस केस में क्या होगा कि वहां पे हमें अल्कोहल मिलता है, वो हाइड्रोजन हट जाएगा टर्शियरी हाइड्रोजन और वहां पे OH ग्रुप जुड़ जाएगा। जैसे अगर आइसोब्यूटेन हम लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन हम करा दे KMnO4 के साथ तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल जाता है। तो ये एक स्पेशल केस हुआ कि अगर हमें कोई इस तरह से टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्म करना हो, टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल फॉर्म करना हो तो उसके लिए इस रिएक्शन का हम यूज कन्वर्शन के दौरान कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे ये सारे रिएक्शन का जो हम कह रहे हैं बार बार कि इन सारे का यूज हम लोग करते हैं, कैसे कन्वर्जन में यूज करते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए। क्या करेंगे, अल्केन ले लिया हमने और अगर हम अल्केन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिल जा रहा था, सबसे पहले स्टेप में हमें अल्कोहल मिल रहा था। कैसे, कॉपर ट्यूब के साथ जो हम करा रहे थे वहां पे क्या हो रहा था, अल्कोहल मिल रहा था। और अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। और अगर हम एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करा दें तो हमें क्या मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का ही ऑक्सीडेशन करा दें तो ये पूरा का पूरा कार्बन टूट जाता है और क्या बनता है, CO2 और H2O जो जनरल कंबसन में हमें लास्ट में जिस तरह से मिल रहा था। तो मान लीजिए हमने इथेन ले लिया है C2H6, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करा दें तो क्या होगा, ये कन्वर्जन इस तरह का आ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे हमें अल्कोहल मिल जाएगा, C2H5OHCl फॉर्म कर जाएगा। अब फिर इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें तो क्या होगा, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें तो क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, एक माइनस H2O यहां से होगा और CH3CHO मिलेगा हमें, ठीक है, एल्डिहाइड मिल गया। अब फिर अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करा दें तो क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH, ये हमें एसिड मिल गया। इस तरह से हमने क्या किया, किसी भी बीच वाले स्टेप से आप शुरू करके यहाँ तक आ सकते हैं, किसी भी बीच वाले स्टेप से शुरू करके आ सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से आपका क्या हो रहा है, कन्वर्जन रिएक्शन में आप इसको यूज करके कहीं से भी दूसरे मॉलिक्यूल को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग अल्केन के ही किसी नए रिएक्शन के साथ होंगे।